नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रैकर में। आज जो हम लोग SBI क्लर्क 2018 के मेंस के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम लोग इनपुट आउटपुट जो है उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन करेंगे हम लोग नहीं, करेंगे आप लोग। और इसका सही आंसर आप लोग कितने सेकेंड्स में और कितने टाइम में आप लोग लिख रहे हैं, आपको आ रहा है आंसर, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके बाद मैं आपको कल सुबह तक इसका सही आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, कल सुबह तक, या फिर जितने भी मतलब मेरे को अगर रिस्पांस दिखे उसके रिस्पांस के बाद आप लोग को सही आंसर दे दूंगा। तो सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि इनपुट आउटपुट, अगर बहुत लोग को नहीं पता तो होता क्या है इनपुट आउटपुट। क्या होता है, एक इनपुट दिया रहता है, एक इनपुट दिया रहता है जिसमें आप लोग का कुछ कुछ वर्ड्स और कुछ नंबर्स का अरेंजमेंट्स रहता है। तो उसका इनपुट को जो है वो एक उसको रीअरेंज करके, मान के चलिए एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, चार स्टेप, पाँचवा स्टेप या छठवा स्टेप में जो है फाइनल स्टेप में जाके वो इसको रीअरेंज किया जाता है। उस अरेंजमेंट को जो जो अरेंजमेंट वो जिस रूल से हुआ है उस रूल से आप लोग को एक नया क्वेश्चन दिया जाता है। उस नए क्वेश्चन को आप लोग उस रूल के थ्रू, उसी उसी पैटर्न के थ्रू आप लोग को आखिरी जो है लास्ट स्टेप लाना पड़ता है। तो अभी जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग को एक अरेंजमेंट दिखेगा, उस अरेंजमेंट को आपको समझना है। उसके बाद आप लोग को इनपुट दिखेगा, उस इनपुट को आप लोग को सॉल्व करना है। उस इनपुट को सॉल्व करके आपको लास्ट जो है उसको लाना है। आप लोग का टाइम जैसे ही आप लोग ऊपर देख सकते हैं, टाइमर दिख रहा है आपका, आपका टाइमर चालू हो जाएगा। और फिर आप लोग को टाइमर चालू होने के बाद आप लोग के पास 5 मिनट का टाइम रहेगा। अगर आप लोग का जल्दी हो जाता है तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जल्दी हो जाता है तो आप लोग अपना टाइम नोट करना और टाइम को आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि आप लोग कितने टाइम में कर सके, तब मेरे को पता चलेगा कि आप लोग का इनपुट आउटपुट कितना अच्छा है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं तुरंत आप लोग का आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मुझे वो वेट करना पड़ेगा आप लोग के आंसर्स का। तो जितना हो सके उतना आप लोग शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, ताकि स्टूडेंट्स को ये मेरे को भी पता चले कि इनपुट आउटपुट आप लोग SBI क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को कितना इनपुट आउटपुट आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग क्वेश्चन का। ये आप लोग के रहा सामने क्वेश्चन और ये टाइम चालू।
तो ये हो गया आप लोग का समय ख़त्म 5 मिनट का। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो हैं 5 मिनट से पहले भी कर लिए होंगे, और कुछ लोग अभी भी कर रहे होंगे, या फिर अभी आपको बाद में भी पे आंसर आ सकता है। तो आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर आने के बाद मैं आप लोग को इसका सही आंसर बता दूंगा। अभी आंसर बता दूंगा तो आप लोग काफ़ी स्टूडेंट जो है बिना सॉल्व किए आंसर देख लेंगे, उससे आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अच्छे से कमेंट सेक्शन में आप लोग सारे के सारे अपने आंसर दें, और कितने टाइम में आप लोग सॉल्व किए हैं वो भी ज़रूर डालिएगा। अपना आंसर अपना अपना आंसर डालें, अपना अपना लॉजिक बताएं, और उसके बाद टाइम जो है वो भी आप लोग बताना है। और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तभी आप लोग का आंसर जो है आंसर का वीडियो जो है आप लोग के होम पेज में आ जाए। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।